हेलो नमस्कार, आज हम बात करें दसवीं क्लास के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। केमिस्ट्री का आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों को दोनों वैरायटी कभी कभी चेंज करके पूछता है। वो वैरायटी पिछले साल के अकॉर्डिंग अनुसार ही पढ़ना और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेस बनाकर तब आगे के क्वेश्चन को तैयारी करना। और मॉडल पेपर वाला जो क्वेश्चन निकला ना, मॉडल सेट वाला, उसमें से कतई मत भूलना, वो सबके सब पढ़ता जाना, ठीक है। उसी में से कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जो 2024 के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। वो कौन कौन क्वेश्चन है, एक बार सुनो। पहला क्वेश्चन है कि रोटी और केक में को फुलाने में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। ये दो नंबर में क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा बेकिंग, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बताओगे क्योंकि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बेकिंग पाउडर ऊष्मा के संपर्क में आता है, जब बेकिंग पाउडर ऊष्मा के संपर्क में आता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। जब जैसे गर्मी में जब आग के संपर्क में ऊष्मा के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है या पैदा होती है जो रोटी और केक को फुला देती है। तो ये इसका मेन आंसर क्या हुआ, बेकिंग पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि जब ये ऊष्मा के संपर्क में आता है ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रोटी और केक को फुला देता है। सही आंसर हुआ पहला। दूसरा, अमलराज, ये क्वेश्चन देखो दो तीन बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। अमलराज या फिर ऐसे कहो कि एक्वारजिया, दोनों के एक ही नाम है, अमलराज कहो या फिर एक्वारजिया कहो, बात बराबर है। ये क्या होता है जी, इसके आंसर बताओगे आप, इसके आंसर आप बताओगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण को अमलराज या एक्वारजिया कहते हैं। मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दोनों को मिला दिया जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्लराज या एक्वारजिया कहते हैं। याद रखना एक अनुपात है, तीन हिस्सा होता है। मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल एक हिस्सा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीन हिस्सा के अनुपात को हम मिश्रण करते हैं तब जाकर एक्वारजिया प्राप्त होता है। तो इसका बेसिक बात है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ताजा मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसमें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारजिया का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह सोना और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। एक्वारजिया इतना खतरनाक होता है कि दुनिया की कोनो भी धातु उसमें डालोगे ना, क्षण भर में गला के रख देता है, इसलिए इसे अम्लराज का नाम दिया गया है। आगे देखो तीन नंबर, आधुनिक आवर्त क्या है। आधुनिक आवर्त देखो बेसिक सी बात है, केमिस्ट्री का पांचवा पाठ आवर्त सारणी वाला चैप्टर निकालो, उसमें दिया है आधुनिक आवर्त का नियम क्या है। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है आधुनिक आवर्त का नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है, जो मोसले के द्वारा आवर्त आधुनिक आवर्त नियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नीचे ब्लू पॉइंट में लिख देना कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को माना जाता है और आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को माना जाता है। अगर ऐसे पूछे आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले, दोनों ब्लू पॉइंट लिखना, शब्द सीमा भी हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या आप करोगे, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, जिसके लिए कुछ उचित कदम है, क्या कदम है। यदि मान लीजिए आपके पास कुछ लोहा है, इसे जंग न लगे इसलिए आप दो तीन गो उपाय सुझा सकते हैं। पहला, आप इसे पेंट करके रखिए, पेंट करके रखिएगा तो लंबा समय तक इसमें जंग मूर्छा नहीं लगेगा। दूसरा, इसे जस्तीकरण करके रखिएगा, जस्ता का लेप चढ़ाकर तो उससे भी जंग नहीं लगता है। तीसरा, ग्रीस लगा कर रखिएगा, इससे भी जंग नहीं लगता है। इन तीन को मेन कारण है, वही लिखा हुआ है यहाँ देखो, लोहे को तेल या पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह आयु और नमी के संपर्क में नहीं आती है और लोहा में जंग नहीं लगता है। दूसरा, लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। तीसरा, लोहे के जस्ता की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। यह तीन को जो बोले हैं ना, यही तीन को लिखोगे, इससे क्या होता है ना, लोहा को जंग से बचाया जा सकता है। अगला देखो, संयोजकता क्या है, आपसे पूछेगा संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है ना, संयोजकता। तो देखो संयोजकता का परिभाषा, तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। लेकिन इसे भी देखो परिभाषा आसान है, किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। फिर सुनो वही परिभाषा में ये आंसर लिखना, किसी भी, और ये याद हो जाए तो ठीक है, इसे भी आसान परिभाषा यहाँ लिखा है, किसी भी परमाणु के, कोनो भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे
जैसे देखो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितने होती है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, होता है ना। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है तो 2 पूरा कर लेगा, उसके बाद 6 होगा, कितना होता है 6। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 6। लेकिन एक और नियम होता है, यदि 4 से ऊपर है, 4 से ऊपर है उसमें से हमें 6 8 में से 6 को घटाना पड़ता है। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6, और संयोजकता जब निकालोगे संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 2। तो ये अगर हार्ड लगता है किसी भी आसानी को तरीका देखो, सोडियम लिख देना, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, 2 पूरा कर लेगा, 8 पूरा कर लेगा, 8 2 10 देखिए 1। तो संयोजकता हमारा कितना होगा 1 होगा, संयोजकता कितना हो गया 1। ये जैसे बता देना, यहाँ लिख देना संयोजकता, संयोजकता यहाँ लिख देना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बताना किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता होती है, जैसे सोडियम का 1 बता देना, या किसी भी परिभाषा लिख सकते हो उपरा वाला, जो अच्छा लगे आपको आप लिख सकते हैं। तीनों देखिए निम्न समीकरणों को संतुलित करना, तीनों समीकरण को क्या करो संतुलित करो, और ये आप संतुलित यदि कर लेते हो तो कमेंट से लिख देना कि संतुलित हो जाता है, क्योंकि संतुलन बहुत आसान होता है, आप पढ़े होंगे संतुलन कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको यदि दिक्कत है तो कमेंट सेशन लिखिएगा, हम अगले वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे केमिस्ट्री क्लासेस का, उसमें तीनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे संतुलित कीजिएगा लिखकर, ठीक ना। सूचक क्या है, सूचक तो आपको पता होनी चाहिए, सूचक क्या है, एक सूचक के नाम बताओ। देखो सूचक क्या होता है, आइडेंटिटी जो मापता है। सूचक एक रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर उसका रंग बदलता है। तो सूचक एक प्रकार के रंजक होता है, रंग परिवर्तन करने वाला एक प्रकार के मशीन होता है जो किसी अम्ल हो या क्षार हो इसके संपर्क में जब आता है ना सूचक, तो लाए जाने पर अपना रंग बदलता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज। जैसे मिथाइल ऑरेंज यहाँ बोला एक सूचक के नाम लिखे तो बता देना मिथाइल ऑरेंज। और सूचक क्या, एक प्रकार से रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तन करता है। अम्ल के एक क्वेश्चन अच्छा नहीं है, ये छोड़ दो, ये भी एक क्वेश्चन के रूप में नहीं आता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो और 8 नंबर, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि दो ये देखोगे तो चांसेस है पूछने का कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। आपको पता होनी चाहिए उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है नोबेल गैस, अर्थात अस्थाई गैस। तो अस्थाई गैस कौन कौन होती है आपको अगर पूछा जाए परीक्षा में 1 नंबर में अस्थाई गैस कितनी होती है तो आपको पता होनी चाहिए 6। कितना होती है 6, कौन कौन, हीना आकर जाना रे, ट्रिक याद रखना, हीना आ कर जाना रे, मतलब हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 वो ऐसी गैसें हैं जो उत्कृष्ट गैस या अस्थाई गैस या नोबेल गैस के नाम से जानी जाती है। कौन कौन, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है निम्न में से कौन से नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस नहीं है, आपको पता होनी चाहिए एक ट्रिक से, हीना आकर जाना रे, हीलियम, हीना ना से नियॉन, आ से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जाना से जेनॉन, आर रे से रेडॉन। चलो उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म परिभाषा सुनो, क्या बोला है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग क्यों रखा जाता है, तो बताओ एक नॉर्म आंसर पहले सुनो। उत्कृष्ट गैसों को अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता इसलिए हट अलग रह, अलग इसलिए अलग रखा जाता है। तो बताओ कि उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म आवर्त सारणी में किसी अन्य समूह के तत्वों के समान नहीं है। जिस प्रकार अन्य तत्वों के समूह में गुणधर्म होता है ना, उसके गुणधर्म इसके समान नहीं है। यह किसी भी तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, यह किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, अतः इन्हीं आवर्त सारणी में अलग समूह या शून्य वर्ग में रखा जाता है। शून्य वर्ग में मतलब कोनो वर्ग नहीं है, वो अलग श्रेणी में रहता है, ठीक ना। तो अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका गुणधर्म अन्य तत्वों के समूह के गुणधर्म के समान नहीं होता है, और ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और ना ही रिएक्शन करता है रासायनिक अभिक्रिया में, और ना ही रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे अलग रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। आपको पता होना चाहिए समजातीय श्रेणी वो कार्बनिक यौगिक के वैसे श्रेणी, कार्बनिक यौगिक के वह श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिक को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, उसी को कहते हैं समजातीय श्रेणी। इसका परिभाषा देखिएगा तो मेन रूप से होगा इसका प्रत्येक सदस्य एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, जिसे समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस समावयवता पढ़ोगे ना तो इसमें अस्पष्टता पता किया गया है। अब मैं एक काम करना होगा, जितने संतुलित वाला दिया गया है ये सब आंसर क्वेश्चन आंसर लिख लेना। यहाँ देखो संतुलन करने वाला जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को सॉल्व करो, अगर नहीं बन पाता है तो अगले वीडियो में हम बनाते हैं। ओके थैंक यू।